आजमगढ़ के दौरे पर आए मत्स्य पालन मंत्री व आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने आज नगर भ्रमण के क्रम में दलाल घाट, गौरीशंकर घाट और सीताराम मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहाँ के निवासियों ने नारे लगाकर सबसे पहले उनका स्वागत किया। प्रभारी मंत्री ने यहाँ पर मछली व्यापार से जुड़े लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने प्रभारी मंत्री को शौचालय की समस्या से अवगत कराया और कहा कि आवास भी हमें उपलब्ध कराया जाए। वहीं सीताराम मोहल्ले के सभासद मिथुन निषाद ने बताया कि निषाद राज की प्रतिमा कई सालों से जलकल विभाग में बंद है और धूल फांक रही है, जिसको स्थापित कराने के लिए उन्होंने मंत्री से बात की। प्रभारी मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि स्थान का चयन कर लिया जाए और तैयारी कर ले तो महीने भर के अंदर ही मूर्ति की स्थापना कराएंगे। बता दें कि आजमगढ़ सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजय निषाद भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में निषाद राज की प्रतिमा लगवाने की मांग प्रभारी मंत्री से कर चुके हैं। सभी लोग जो मलिन बस्ती है, कमजोर लोग हैं, जो जिनको पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाकर लोगों को निर्बल किया है और मनसा भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सबल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो, उसे भी न्याय सुरक्षा मिले, उसे भी रोटी कपड़ा और मकान मिले। तो निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों तक हम लोग किसान हैं। जब किसान अपने मेड़े पर आता है तो उसकी फसल हो जाती है। तो हम लोग इनके हालचाल लेने आए हैं। कुछ अनियमितताएं थी, हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया और कुछ यहाँ रोजगार के साधन भी थे, कौशल विकास केंद्र का, कुछ इनके जल जमाव के थे, बता दिया है। सर, आपने आश्वासन दिया कि मूर्ति लग जाएगी। निश्चित रूप से वो मूर्ति लग रही थी और वो पहले किस कारण पर नहीं लगी है, अब वो एक हफ्ते में 15 दिन में उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, लग जाएगी। सर, शौचालय बन के पड़ा हुआ है सर, आज उसका दिशा निर्देश जारी हो गया और जल्दी खुल जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी यहाँ आए थे, समस्या यहाँ शौचालय की थी और यहाँ पे साफ सफाई की समस्या थी, लोगों को लाइटिंग की समस्या सबसे बड़ी थी। जिन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द शौचालय चालू करने का कोशिश किया जाएगा और हमको उम्मीद है कि शौचालय चालू किया जाएगा, क्योंकि पिछले अदर सरकारों ने सिर्फ आश्वासन दिया था। इस सरकार में और हमारे समाज के नेता जी भी आए थे, उम्मीद हम लोग को ज़्यादा है कि हमारे बाद में विकास होगा। किसी हमारे समाज की मूर्ति जो जलकल में कई सालों से बंद है, उनकी थी 2 से 3 महीना के अंदर वो भी लगवाने का कहे, आप लोग तैयारी कीजिए, 2 से 3 महीना के अंदर मूर्ति लग जाए। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।